Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the complex analysis in BSc third year class. So this is the first unit. So I start with the introduction and then the fundamental operation with complex numbers and then absolute values, modulus, representation of complex number in xy plane and in a polar form. So सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को पढ़े हैं. नेचुरल नंबर तो इसकी ज़रूरत कुछ इस तरह से पड़ी कि जैसे नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं उसे अक्सर हमें ये होता है कि वो कितनी है संख्या में तो हम उनका नंबर बता पाएँ. तो उस नंबर को कुछ भी हम देखते हैं तो उसे बताने लगते हैं ये दो है, तीन है, या दस है, या बारह है. देखते ही एक दिमाग में आता है कि उसको हम कोई नंबर दें. तो वहाँ से एक जो नेचर को काउंट करने की प्रवृत्ति आई किसी भी इंसान के अंदर, तो उससे आया ये नेचुरल नंबर. तो उसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं था. नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं. लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा आया कि जब हम सॉल्व किए कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई -1. तो इससे ये पता चला कि नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव टर्म थे. इसका मतलब कुछ और टाइप के नंबर होते हैं जो निगेटिव भी हो सकते हैं. ये सारे पॉजिटिव टाइप के थे लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चन से पता चला कि वो कुछ निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. तो इन निगेटिव नंबर को भी शामिल किया गया तो एक नया नाम दिया गया, और ये निगेटिव हैं और ये रियल टाइप के, तो इसको हमने कहा फिर रियल नंबर. रियल नंबर का रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक. ठीक, सो दिस इज़ द नेचुरल नंबर एंड दिस आर द रियल नंबर. उसी तरीके से एक नया नंबर होता है कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर अब ये कहाँ से आया? तो ये कुछ इस तरह से आया कि अगर हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का. तो अगर इसका सलूशन की हम बात करें तो हम जानते हैं कि जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है या बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 4ac, तो जो हमें इसमें एक्स मिलते हैं या जो इसका रूट आता है वो पॉजिटिव आता है या रियल आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव या रियल वैल्यू मिलती है हमें. जो इसके रूट होते हैं वो रियल होते हैं. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बी स्क्वायर लेस देन 4ac आता है तो उस केस में जो हमें वैल्यू मिलती है वो कुछ निगेटिव में माइनस साइन के साथ आती है. तो इसे सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर बनाया गया जो यूलर ने जोड़ा. यूलर ने तो वो एक आइडेंटिटी यूज़ किया उन्होंने आई को, और इस आई को माना कि वो माइनस अंडर रूट माइनस वन के बराबर है. अंडर रूट माइनस वन के बराबर. तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दिस आई को हम बोलते हैं आयोटा, और सिंपल आई. तो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन. उसी तरीके से हम आई क्यू वगैरह निकालते हैं. आई क्यू इक्वल आई स्क्वायर इंटू आई एंड दिस इज इक्वल माइनस वन इंटू आई, सो दिस इज इक्वल आई. सिमिलरली आई फोर इक्वल टू आई क्यू इंटू आई, सो आई क्यू इज माइनस आई इंटू आई, सो दिस इज माइनस आई स्क्वायर एंड दिस बिकम्स प्लस वन. तो उसी तरीके से हम कोई भी पावर निकाल सकते हैं. तो ये एक आई जो टर्म था वो कम्प्लेक्स टाइप को
डिनोट करता है, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी भी टर्म में आई आता है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स का नंबर बताते हैं। जैसे जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई ऐसा, और अल्फा प्लस आई बीटा। सो जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Where x and y are the real number। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों रियल हैं। एक कोऑर्डिनेट की तरह, जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई प्लेन होता है, उसी तरीके से x और y एक कोऑर्डिनेट जैसे हैं एक्स वाई प्लेन में, और वो रियल नंबर है, लेकिन कंबाइंड रूप में ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये था कुछ इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे क्या है? तो फंडामेंटल ऑपरेशंस है सम या फिर डिफरेंस, प्रोडक्ट डिवीजन, जो सबसे फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारे पास वो है प्लस माइनस क्रॉस या डिवीजन। तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो उसे कैसे जोड़ सकते हैं? तो सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज सी प्लस आई डी। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रियल को हम रियल के साथ ऐड करते हैं, इसका ये रियल पार्ट कहलाता है और ये पार्ट इमेजिनरी कहलाता है। तो रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं ए प्लस सी एंड प्लस आई बी प्लस डी। तो ये रहा समेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो पूरा पार्ट है वो रियल नंबर है, और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी रियल पार्ट, रियल नंबर या रियल पार्ट, और इस पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। उसी तरीके से हम इसका डिफरेंस भी कर सकते हैं। डिफरेंस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, यहाँ माइनस साइन होगा और सेम उसी प्रोसेस से यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये सब कुछ सेम ही होगा, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। प्रोडक्ट करेंगे हम डायरेक्ट ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी, एंड दिस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो दिस इज बी डी, आई स्क्वायर इज माइनस वन। अब रियल को रियल के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी वाला आई वाला पार्ट एक साथ, सो ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंस भी हमेशा कॉम्प्लेक्स आएगा, उसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? इसी तरीके से डिवीजन भी कर सकते हैं। दिस डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी, तो इसके डिवीज़न के लिए हम इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ इंटू करते हैं। जैसे अगर यहाँ प्लस है तो माइनस। तो हम ये पहले बता दें कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस आई वाई है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है जेड बार,
और इसको हम लिखते हैं x।